मेरे दोनों बच्चे चले गए, दो लड़के सी और दो चले गए, आदमी भी चला गया, टाइम पास कर दी पिया मैं अपना। आ देखो सीधा बच्चा है, एदी फोटो करो जरा, तो मैं तुम फोटो भी खिचा दिनी हाँ। इतने जो सब तो पहले आया सी तो कहता सी कौन आया सी? सीएम भगवंत मान कहता मैं ना ये बहुत हेल्प करांगा जे मेरी सरकार बनती है। फिर उस तो बाद बनन तो बाद फिर आया किसी ने जिन नहीं पूछा जे तुसी को तो मेरे को फुल प्रूफ हैगा। वैसे मोदी है, मोदी का मुकाबला कोई करने वाला नहीं है। ऐसा सहारा दिता है रिंकू ने, किसी पार्टी से कोई भरोसा सू किसी से नहीं है बेटा। जो तो जित जाने कोई किन पुछता थोड़ा, कोई नहीं पुछ ना, कोई नहीं पुछता है, अपनी मेहनत करके खाने पैंती है। मुझे तो बीजेपी लगा, बीजेपी क्यों लगती है बीजेपी? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है, की पीछे भी आगे पीछे की किया, इधर तो नहीं है मतलब कि। सत श्री अकाल, मैं हर्षदीप कौर, तुसी देख रहे हो पंजाब तक। जलंधर शहर च असी मौजूद आ भारको कैंप एरिया, इतने लोग चोणों नू लैके की सोचते हैं वो पुछते हैं, क्योंकि मुकाबला इतने काफ़ी दिलचस्प है। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी नू मैदान च उतारिया, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने पवन कुमार टीनू, बीजेपी के ने सुशील कुमार रिंकू, तो अकाली दल के ने मोहिंदर के पेना। चो कौन जितेगा आओ लोगों को भी पुछते हैं, इस बार की लगता है जलंधर तो कौन जीतूगा? इस टाइम जलंधर चो अभी रलमी इतने जलंधर हाले पक्का नहीं कह सकते, कोई मुकाबला कहता वेखते मुकाबला हाले कुछ नहीं कह सकते। मुकाबला जरा हम हफ्ते लास्ट हफ्ते पता लगेगा, कोई चन्नी ना लेंदा, कोई रिंकू का ना लेंदा, कोई ओहदा ना लेंदा, मेन जरा अगले हफ्ते पता लगेगा जो भी। पर फिर भी थोड़ा बहुत पता लगता होगा, दो जाने का, तीन जाने का, चार जाने का, कितना मुकाबला जेड़ा मुकाबला रिंकू के नाल हैगा, जेड़ा मेन रिंकू का मुकाबला ही है, चन्नी का रिंकू का मुकाबला। अच्छा, आम आदमी पार्टी आम पार्टी का हाले कुछ नहीं दिखाई देता पाया, इतने शहर च कोई नहीं, भागम च कोई नहीं है। अच्छा, बीजेपी तो कांग्रेस का कह रहे, बीजेपी तो कांग्रेस का आपस है मुकाबला है। बिच पिंडा वाल पास जाओ तो अपना टिनू है, पिंडा वाले पास वो शहर पता है, शहर की वोट जी है हिंदू वोट है, वह मोदी मिलेगी, रिंकू नहीं मोदी मिलेगी, मोदी ना तो वोट मिलनी है। मोदी जी ने मोदी राम जन्मभूमि के ना दे सब कुछ जो करता पाया, मोदी चंगा करता पाया, जो अगे कहूगा चंगा कहूगा, हिंदुओं लिए अच्छा करता पाया, हिंदू सरदार एक है मुसलमान नाल है, ऐसी गल कला नहीं। पंजाब से तो कभी बीजेपी के ज़्यादा पैर नहीं लगे, ज़्यादा सीटा नहीं आई, ऐसक भी सीटा दो तीन सीटा तीन चार मिलूगी, वाद नहीं मिलूगी, तीन चार सीटा मिल सकती जिन टोटल पंजाब चो ज़्यादा नहीं, बाकी रली मिली सरकार इतने तो कुछ नहीं करते। वैसे मोदी है, मोदी का मुकाबला कोई करने वाला नहीं है। इस बार सेंटर च भी फिर तो लगता सेंटर मोदी आऊगा, मोदी का है ही कोई नहीं, मोदी बंदा ही कोई नहीं है, जो कांग्रेस का बंदा कहड़ा है, वो पप्पू कहते पप्पू का अगे ना पिछे, जब पप्पू की गल कर पप्पू ने अगे पिछे कुछ करता वह अखा मान जोगा है, कुछ नहीं कर सकता, दामे कर सकता, बाबा ही गल है जी भाजी और नहीं गल। इस बार जलंधर च की लगता कौन जीतूगा? मैंने तो बीजेपी लगन दे, बीजेपी लगती भी क्यों? क्योंकि उन्होंने इधर नहीं किते होर पासे बहुत कुछ किते, सुशील रिंकू ने भी बहुत कुछ किया हुआ, रिंकू तो आम आदमी पार्टी के MP रहे, पर हूँ उन्होंने वाल हो गए ना बीजेपी, बीजेपी वाल हो गए, पर बीजेपी ने जलंधर का की काम किया? उन्हें जलंधर का तो पता नहीं, उन्होंने अगे बहुत कुछ किया हुआ, रिंकू ने भी बहुत कुछ किया हुआ। रिंकू तो फिर आम आदमी पार्टी च रहे, की लगता है कौन जीतूगा, आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस या अकाली दल? मुझे तो बीजेपी लगा, बीजेपी क्यों लगती है बीजेपी? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है, की पीछे भी अगे पीछे की किया है, इधर तो नहीं है मतलब कि अगे पीछे की किया, कुछ किते हुए ने उन्होंने, मैं चेता भूल गए ने, याद ही नहीं मैं आते उधर। और किसी पार्टी ने कुछ कोई काम होर किसी पार्टी का याद की लगता है कौन जीतूगा इस बार? जितन तो जसो सारे एक ही है ना, सारे एक ही बैठे ने, जोड़ा मर्जी ऐसे तो कोई गुस्से वाली कोई गल ही नहीं, ठीक है ना, जिन्हों किसी ने वोट पाना में तो भावें एक जीते तो भावें दो जितन, जितना चलो सब ने जितना में ना, ठीक है ना, कौन कोई एक जीतूगा? जितना तो एक ही ने, जो मर्जी जित। मुद्दे की ने तुहाडे? हाँ जी, मुद्दे की ने तुहाडे, तुहाडियां क्या चुनौतियां ने, प्रॉब्लम्स की ने तुहाडे?
मैं सुनो गल, मैं देखो काम तो आनी पई हाँ, ठीक है, कर दियो तुसी। मैं कोठियां च जानी हाँ काम करने, जिहड़े लोगों की मुश्किल ने, शराबां दियां निक्के निक्के न्याणे खराब होए ने लोगों के गंद खा खा के, यह तो हटाने चाहिए ना नशिया दी। हाँ, नशिया दियाँ माड़ियाँ संगतं जिहड़ियां जांदियां ने वह तो हटाने चाहिए ना, कम करना। हाँ, वह कम जो मेन कम है ऐकड़े लोगों दगह आए, एक एक कमरे च किन्ने किन्ने जड़े बड़े रहे हैं, गरीब जनता कितों इन्नी बनाएगी, एक जगह की भी इन्नी मुश्किल की है, इन्ना महंगा हिसाब किया भी कितों को लखा के हिसाब को लेगा जगह, महंगाई बहुत महंगाई बहुत है, घर की मुश्किल जड़ियाँ अच्छा रोटी का कोई करेगा, कोई जगह का कोई करेगा, एक शराबा पीने तो कितों कोई करेगा, नशे की समस्या बहुत, नशिया की जगह किसी पार्टी की उम्मीद है थोनों? हाँ हाँ, उम्मीद चलो सब नी अपने अपने किसी पार्टी की उम्मीद है, कोई पार्टी काम करूगी किसे, चलो सारे एक है नहीं मैं कह सकती। हाँ ठीक है ना, हाँ थैंक यू, है नहीं, हाँ है नहीं मैडम मैं कह सकती, ठीक है ना, सारे अपनी अपनी जगह तो सारे ठीक है। चोणा चल रही ने, की मुद्दे ने तुहाडे, इशू की ने, बेरोजगारी जिवें महंगाई वध रही है, महंगाई वध गई बेटा, मैं बच्चे घर है कोई सोचते नहीं है कि महंगाई इन्नी है, तो आप भी घर वेले बैठी है, कम हुंदा नहीं है, गौरमेंट कुछ दे सोचते नहीं है यदा भी, तो किसी पार्टी से कोई भरोसा सू तो किसी नहीं है बेटा, जो तो जित जाने कोई किन पुछता थोड़ा, कोई कोई नहीं पुछ ना, कोई नहीं पुछता है, जो अपनी मेहनत करके खाने पैंती है, जो मतलब हो फिर अगर पुछ लेंगे ना, बाद च नहीं कोई पुछता है, कोई लगता कि पार्टी इस बार जलंधर जित रही है, इन्ना नहीं पता बेटा ना, पर थोड़े मुद्दे हल नहीं ना, साडा कोई सोचता थोड़ा कोई है, जो आना तो मतलब ले आते ना, इदा नवाज कोई पुछता है। आंटी पहला दसो उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र है 84 साल। 84 साल दे। बड़े तुसी चोणा देख लिया, बथेरिया चोणा तुसी देख लिया, बड़ा रंग वेख्या दुनिया दा, पाकिस्तान हिंदुस्तान बदलदा वेख्या, गरीबी वेखी, शंकारी वेखी, हुण होर मसला आ गया, वह भी वेखते पे है। केड़ा मसला आ गया? कोई घर का मतलब चिंता, वह भी हुण भोगदी पई आ कि मेरे दोनों बच्चे चले गए, दो लड़के से और दो चले गए, आदमी भी चला गया, टाइम पास कर दी पी मैं अपना, है ते सब तू मैनू इस वे सहारा दिता है रिंकू ने, सुशील ने मैनू सारे, मैं अपना 68 साल तू भारतीय जनता पार्टी रही हाँ, 68 साल तो मेरी मैं पार्टी नहीं छड़ी, लेकिन मैं किसी पार्टी वाले ने जड़े मेंबर बने थे और मोदी तो आके नहीं मेरी करनी आए, इन्होंने कोई मेरा ध्यान नहीं किया, एक सुशील है तो सुशील कुमार रिंकू भी बीजेपी च ने? हाँ वो बीजेपी च ने, बीजेपी तो पहले आम आदमी पार्टी च रहिंदे उन्होंने काम किया तो? हाँ सुनो ना, मैं आम आदमी आदमी नाल नहीं पता, मेरा मकान डिग पिया, एक मिनट, मेरा मकान डिग गया, किसी ने रिंकू नू जाके कहा कि एक माता हैगी है तो वह मकान डिग पिया, अजे कि मैं उन्हू जानती, मैं उसकी शक्ल ही नहीं जानती सी सुशील दी, वो बंदे ने कहा तो वह मेरे घर आ गया, सुशील का आके मैं मत्था टेकया तो मेरे अंदर वेख्या, मेरे अंदर वेख्या तो बाले डिगे हुए हैं, एक मिनट बाले डिगे हुए हैं, तो कहना माता अंदर ना बई, मैं क्या अच्छा काका मेरे ओरी वाकफियत कोई ना ही पहले हूँ ही बने, हूँ तो बहुत हो गया ना, वो फिर कहना माता अंदर ना बई, मैं कह नहीं काका नहीं बनती, बच्चे आ रही है, तो उन्हें तीजे दिन मटीरियल भेज दिता। बहुत वधिया गल है, तो हूँ इस बार लगता है रिंकू जितणगे? हाँ मैं उम्मीद है, जिस तरह वह वर्तारा है ना दुनिया नाल, बजुर्गों नाल दूजिया नाल, है बाकी का इन्ना वर्तारा नहीं दे। हाँ जी, जलंधर से इस बार किवें दा मुकाबला लग रहा? मुकाबला मोदी का ही है, मोदी जितूगा इतने, इतो मोदी जितन? हाँ हाँ, बीजेपी जितूगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुशील कुमार रिंकू? हाँ जी हाँ जी। रिंकू तो आम आदमी पार्टी छड़ के बीजेपी च आए ने? चलो कोई गल नहीं, वो दा कोई फर्क नहीं पैंदा, सेंटर दे विच आ ना, सेंटर च तुहानूं लगदा मोदी सरकार? हाँ तो मोदी सेंटर भी जाना ना, हुण पंजाब दे विच ते ओह सीगा ते ओह सेंटर च, सेंटर च आया ना तो फिर सेंटर च जा रहा है। मुद्दे की ने तुहाडे? हाँ जी मुद्दे की ने? चलो इत्थे कोई कोई नहीं मुद्दा कोई हैगा, सब दल बदलू है गया,
कोई काम करके राजी नहीं है कोई काम करके नहीं करना अपने नोट इन्होंने चाहिए है तो बीजेपी वाले काम करन अगे किया इन्होंने काम किया के जे एंड के दे जलंधर च कहते गलियां कई टुटिया पईयां ने ड्रग्स का मुद्दा है जलंधर लिए की काम किए ने कुछ भी नहीं किया कख नहीं किया इन्होंने ये स्मार्ट कहते स्मार्ट बनाना सिटी स्मार्ट बनाना पता नहीं की बनाना जलंधर नू कख भी नहीं बनाया नहीं बनाया तो फिर तुहाडा विश्वास मोदी ते ही है। हाँ जी आंटी चोणां नू लैके की सोचते हो तुसी कोई काम करदा है केड़ी पार्टी इस बार जित रही है देखो जिन्हां ने काफ़ी चेर जिन्हां ने साडा मुल्क याद कराया सीगा जिन्हां ने राज करना आंदा है कर भी हो सकते बाकी दिन इन्होंने लारे लूरे दिते है आ कर देंगे वह कर देंगे जो भी हमेशा कांग्रेस की गल कर रहे हो। हाँ जी कांग्रेस की गल कर लगता है चन्नी जितेंगे उम्मीद तो पक्की है काम करेंगे क्योंकि सारे कहते इतने कोई काम ही नहीं करता क्यों नहीं करता जिन्हें इन्होंने लखा बिल माफ़ किए वो किन्ने किए जो तो कहें कि आम आदमी पार्टी के राज बिल माफ़ होए थोड़ा बिजली का बिल आंदा मेरा नहीं आंदा है फिर आम आदमी पार्टी ने माफ़ किया साढ़े पहला मतलब अं तो देंदे ही अं ना कहीं माफ़ कराया तो साढ़े तो ऐटोमैटिक बंद हो गए तो बंद होए ने जो आम पार्टी बनी है तो पहले भी जूंटा तो माफ ही है तो कली जनी है कि कि बत्ती जगा लेनी है तो अं तो अपने हिसाब ही चलना चाहे बिल आवे ज ना आवे अं तो अपने हिसाब से चलना वे जो हमेशा गरीब ने अपने हिसाब न ही चलना वे काम जड़ा जड़ा जिन्हें काम खरा किया वह ही अगे होगा तो जिन्हें नहीं किया वह नहीं होएगा। आम आदमी पार्टी लगता इस बार जितूगी मुश्किल ही है क्यों देखो जो दुनिया की आवाज उ है जो दुनिया की आवाज उही होंगी है जि दुनिया जिधर पासा पलट जाए ये पासा पलटने की गल है पब्लिक का ना पब्लिक के जिधर पब्लिक पलट जाए ना जे अच्छे वाले हो जाए तो चाहे माड़े वाले हो जाए ये तो जिधर वोटा पै गया पलड़ा उ भारा होना इलेक्शन से लैके इस वे की माहौल लग रहा जलंधर कोई खास नहीं है कोई पार्टी इतने खास नहीं है की लगता कोई जितू मतलब कौन जितूगा जितेगी तो कांग्रेस जितेगी कांग्रेस जितेगी चरणजीत सिंह चन्नी जी हाँ हाँ वो ही सी एम बनेंगे क्योंकि झाड़ू वाले ने गंद बहुत पाता इस वक्त पीएम दी रेस है तो नाले सांसद चुनिया जाना नहीं पर सीएम भी तो कोई बनेगा तो पीएम बनेगा ना सीएम 2027 वास्ते तुसी कह रहे हां बिल्कुल वो इश्यूज की मतलब केड़े मुद्दे ने झाड़ू वाले ने कोई लोगों नु देखो झूठे वादे किते आ मेरा बेटा बैठा है अंदर आ देखो सीधा बच्चा है एदी फोटो करो जरा तो मैं तो फोटो भी खिचा दें इतने जो सब तो पहले आया सी तो कहता सी कौन आया सी एम भगवंत मान कहता मैं ना ये बहुत हेल्प करांगा जे मेरी सरकार बनती है फिर उस तो बाद बनन तो बाद फिर आया किसी ने जिन नहीं पूछा जे तुसी कहो तो मेरे को फुल प्रूफ हैगा इस गल का बी उन्हें सन कहा भी ओरी सरकार बनन तो साड़ी मदद करेगा पर उन्हें कोई मदद सुशील कुमार रिंकू टीनू कोई आए ने इधर नहीं कोई नहीं आया कोई नहीं आया भगवंत मान आए से इधर हाँ वो तो जो उन्होंने सीएम दी सीगी रेस तो आए से नहीं हाँ कांग्रेस दी ज्यादा स्कोप है जी अंकल की लगता है इस बार इलेक्शन बारे पहले बोलते हैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की कृपा नाल असी इस टाइम भगवंत मान जी का शुकरान गुजारा जी सानू जी बिजली माफ़ की है असी बहुत शुकराने क्यों जो सा 3000-4000 बिल आता सू हूँ देना नहीं पैंता असं कहने महाराज गुरु पहला माफ नहीं सी तुहाडा साढ़े उस तो पहला कोई बिल माफ नहीं थी है ना सानू कोई किसी महिंदर सिंह के पी 5 बार जितया कोई नहीं पूछया 5 बार चुनी लाल महिंदर भगत भी जितया कोई किसी ने सानू नहीं पूछया इस बार भी आम आदमी पार्टी जितू असं कहने गुरु रामदास आम पार्टी ने जितावे सारी सीटा इन मिलनी चाहिए पवन कुमार टीनू जित रहे जरा आप कहने कोई भी आम पार्टी है सू सुख दिता आम पार्टी ने क्यों असं इस ग्रह क्यों सा सवेर के बैठे 200 रुपया नहीं बटिया असं बिल कितों तारना 5000-4000 बिल सू भगवंत मान ने सू बिल माफ़ किया इन्हें शो बादल साहब यही सी कि बादल साहब जो कणक लाई 2 रुपये किलो आटा बंद हो गया यह फ्री कणक खा रहा बस ये अगे बाकी जो सरकार है कि देखा रिंकू जीती है सुनिए वो जुड़ा MLA बने कोई जिन्हें भी MLA कोई भी नहीं आता मुड़ के पूछ बस थोड़ा आम आदमी पार्टी ठीक लगती है सू आम पार्टी तो ठीक है इस करिए ठीक है बस गरीब बंदा ऐश कर रहा बत्ती दे सिर ते ऐसे कि जो मुकाबला जबरदस्त चन्नी का अपना टीनू चन्नी ते टीनू दा आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दा मुकाबला मुद्दे की ने अंकल कोई लगता इन्होंने दोनों च कोई पार्टी मुद्दे सुलझाऊगी
ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲੰਧਰ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ